यासिर, आप यहाँ पर मौके पर उस वक्त मौजूद थे जब एक्सीडेंट हुआ, क्या बताएंगे कैसे ये हादसा हुआ? सर ये हादसा सर ये बास सर, अच्छा हम सर इधर थे लोकल, हम जैसे ही हम आधे आए सर, हमने आवाज़ सुनी तो सर बास नीचे गिरी थी सर, तो हम दौड़े सर तो कुछ बंदे इधर से गिरे थे सर, कम से कम कोई 7-8 बंदे यहाँ से क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, उठाए सर हमने ऊपर से, तो ये बास फिर नीचे पहुँचे तो बाकी बंदे सब बस में ही थे, तो वो उनकी आन स्पॉट सब वो सब डेथ हुई थी। कुछ एक दो बंदे थे जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो उठाए सर हमने, तो वो फिर आगे सर पाते हैं फिर बचे हैं कि जिंदे हैं उनका अभी कोई पता नहीं है सर, तो बाकी सर हमने निकाले यहाँ से सर, फिर लोकल सब आगे सर यहाँ के असर बगर के हम सब लोकल आगे, तो सब लोकलों ने सर मिल के मदद सब की और सब बंदों ने यहाँ से हमने वो निकाले सर। हादसे की वजह क्या रही आपके लिए? हादसे की वजह यही सर, ये जो रोड है सर काफी डेंजरस है, ऊपर वाला रोड, इसमें आते जाते सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, दर्जनों लोग अब तक सर मर गए हैं सर, तो कोई सुनता नहीं है सर, तो कोई गौर करता नहीं इस रोड पे। एक्सएम साहब की गाड़ी भी पहले इसी मोड़ के अगले वाले मोड़ पे सर वो भी गई थी सर, तो उस टाइम भी सर कोई गौर करता नहीं है, कभी ट्राले सर आते जाते सर हर मोड़ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं सर, तो कोई गौर नहीं करता सर। ये पुराना वाला रोड सर हमारा था काफ़ी अच्छा था, इसमें इतनी एक्सीडेंट आज तक नहीं हुए सर, तो ना होते थे इस रोड पे सर कोई एक्सीडेंट, तो सर इस पे किसी गौर की ही नहीं सर, आगे कम से कम कोई थोड़ी सी पसी आई थी वो होती थी तो सर ये रोड बहाल हो जाता था, लेकिन इस रोड पे किसी ने गौर नहीं की सर।